स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, स्मोकिंग किल्स, धूम्रपान से कर्क रोग होता है, धूम्रपान जानलेवा है। कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। मदिरा पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बी सेफ, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। सुरक्षित रहें, मदिरा पान करके गाड़ी ना चलाएं। ड्रग कंजम्पशन इज इंजूरियस टू हेल्थ। नशीले पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हेलो, इज इट कर्नल 4435-58? यस। ब्रिगेडियर राज्य से बात कर रही है प्लीज? यस स्पीकिंग। मैं त्रिवेंद्रम से डॉक्टर नरेंद्रन बोल रहा हूँ, आप मुझे जानते होंगे, पुराना कूनूर कैंप का डॉक्टर नरेंद्रन। ओ डॉक्टर नरेंद्रन, व्हाट ए सरप्राइज, बहुत दिनों के बाद हमारी आपकी बात हो रही है। हाँ, शॉर्ट सर्विस कमीशन में था ना, उसके बाद सिविल सर्विस में ज्वाइन किया। अभी मैं त्रिवेंद्रम मेडिकल कॉलेज में कार्डियो डिपार्टमेंट का हेड हूँ। अभी मैं नम्बर का नंबर बहुत मुश्किल से निकाल पाया हूँ, एक ज़रूरी बात के लिए मैंने आपको कॉल किया है। सेजल अभी मेरे ट्रीटमेंट में है, उसे सीरियस कंडीशन में जेल से यहाँ पर लाया गया है। वो एक दो महीने की मेहमान है, ज़्यादा टाइम नहीं है उसके पास। शी इज़ वेरी सिक, वो आपसे और आपकी बेटी से मिलना चाहती है, ये उसकी आखिरी इच्छा है। आप अपनी बेटी को लेकर आइए, आखिरी टाइम है सर, कुछ भी हो सकता है। गुड मॉर्निंग श्वेता। तुम्हारे डैडी तुम्हें थोड़े दिन के लिए बाहर ले जाना चाहते हैं, दो चार दिनों के लिए ड्रेस तैयार करके आ जाओ, जल्दी आना, कम फास्ट। ड्राइवर, गाड़ी साइड में रुको। जी सर। बेटी, मैं सोचता था कि तुम थोड़ी बड़ी हो जाओ, उसके बाद मैं बताऊं, लेकिन अभी बताना ही पड़ेगा। जब तुम अपनी माँ के बारे में बात करती थी तो मैं हर बार मनगढ़ंत कहानियां सुनाता था। कभी भी अपनी बेटी से जो बात नहीं छुपानी चाहिए वही बात छुपाया करता था कि तुम्हारी माँ मर चुकी है। हमेशा मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के बारे में बताना चाहता था। डैडी, माँ। Yes, she is alive. एक कत्ल केस में त्रिवेंद्रम सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रही है। अभी वो बहुत सीरियस है, वहां के मेडिकल कॉलेज में उसे एडमिट करवाया है और अभी वो हम सबसे मिलने की इच्छा कर रही है। डैडी। बेटी, तुम मुझसे ज्यादा सवाल मत करो, बाहर के लोगों को ना बताने वाली बहुत सी बातें हैं, इतने सालों से मैंने छुपा कर रखा था,
अपने डैडी को माफ कर दो। सारी सुविधाएं कम रहे तो भी मैं अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ। अभी मुझे तुम्हारी भी शादी तो करवानी है। कुछ भी हो राज भाई, आपकी शादी के बाद ही मैं शादी करूँगा। हाँ, मेरी शादी होने के बाद में शादी करोगे? देखो हमारी शादी की उम्र तो अब जा चुकी है। देखो मुझे औरतों से नफरत तो नहीं, मैं औरतों को बहुत पसंद करता हूँ और तुम्हारे लिए मैं ही लड़की ढूंढूंगा। गुड मॉर्निंग यंग लेडी, आई एम मेजर राजशेखर मनिया, योर गुड नेम प्लीज। आई एम सॉरी मेजर, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। यू आर राइट, थैंक यू, सी यू अगेन। ये लेडी तो गुस्से वाली लग रही है। कोई बात नहीं, तुम्हारे बारे में पता करके अपनी दोस्ती को और भी मजबूत बनाऊंगा। आपने गलत कर दिया, इस लड़की को मैं अच्छे से जानता हूँ, वो नर्स है। हाँ ठीक है, मैं 5-6 महीने के बाद बाहर से घूम के आया हूँ ना, अब यहाँ पर नई नई लड़कियाँ आ गई हैं तो इसके बारे में मुझे पता नहीं था। हैं? ये लड़की मस्त थी ना। सुनो, वो गरीब घर की लड़की है, मैं उस पर नजर कैसे रख सकता हूँ? देखो तुम उस पर नजर मत रखो, मैं रखता हूँ। मैं लड़कियों को छेड़ना और डेट पर ले जाना पसंद करता हूँ, इसका मजा ही कुछ और है। वैसे उस लेडी का नाम क्या है? नाम मैं नहीं जानता, मुझे यहाँ ट्रांसफर लिए 3-4 महीने हुए हैं। तो तुम नाम जानते हो लेकिन नाम बताना नहीं चाहती। कोई बात नहीं, मैं लड़की का नाम ढूंढ निकालूंगा। राज भाई, आपको नाम ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसका नाम सैजल है। हाँ, वो मासूम लड़की है, उसे छोड़ दीजिए। मासूम की बात नहीं है, लेकिन उसे पाना है या छोड़ना है ये सोच रहा हूँ। प्रेड सब धन, प्रेड अपनी जगह पर दाहिने मुड़, कदम मिलाकर सीधा चल, दाहिनी तरफ से पीछे मुड़। तुम्हारा कैब ठीक नहीं है। हाथ सटा के रखो। सेजल, 1 मिनट। यस, व्हाट डू यू वांट? नहीं, नाम पूछा तो आपने बताया नहीं, इसलिए नाम पता करके आया। सही किया ना? मैं आपको जानती नहीं तो मैं अपनी जान पहचान क्यों बढ़ाऊं? देखो ऐसे बोलोगी तो हमारे तुम्हारे बीच में जान पहचान कैसे बढ़ेगी। खैर छोड़ो, वैसे हमारा परिचय तो हो गया, अब अपने बारे में भी तो कुछ बताओ ना। कहाँ की हो, कहाँ घर है, घर में कौन कौन है, ये सब जानने वाले आप कौन होते हैं?
मैं आपका शुभचिंतक हूँ, ये जान लीजिए। गांव और आपके घर के बारे में पता लगाकर मैं आपसे दोबारा मिलने आऊंगा। ओके, सी यू अगेन। मारिया, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है क्या बताऊं? जिंदगी तो बिल्कुल उलझी हुई है। देखो, अपनी नई फ्रेंड को ये नंबियार साहब कौन है उनके बारे में पूरी जानकारी दे दो, तभी तो मैं उसके करीब जा सकता हूँ। सी यू। ये छठा पैग है आपका, आप बस भी करो। अपने लिए एक बियर तो मंगाओ। ये दूसरी है, मेरे लिए इतना काफी है। ओके। मैं जिस पर नजर रखे हूं, अगर तुम उस पर नजर रखते तो ऐसी फालतू की बातें क्यों करते, ये बता मुझे। मैं समझा नहीं। वो क्या है ना कि वो नई नर्स सेजल को रास्ते में रोककर तुमने उससे बात किया है, ऐसा सुना है मैंने। देखो, मर्द तो किसी औरत को रोककर कोई भी सवाल पूछ सकता है ना। क्या सिर्फ तुम ही उस औरत से बात करोगे? हाँ, पर मैं उसे उठा ले जाऊंगा। अरे तुम तो मेरा जूठा खाते हो। है? मैं हमेशा तुम्हारा जूठा खाऊंगा, ऐसा मत समझना तुम। ओ, अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी मूछ निकाल कर तुम्हें सल्यूट करूंगा, सल्यूट, समझे? चलो अब यहाँ से उठो और दूसरे टेबल पर जाओ। चलो बहुत हो गया, निकलो। जाओ ना, जाओ। छे, आप दोनों हमेशा लड़की के लिए लड़ते ही रहते हैं, इट्स रियली शेम। अरे वो मुझे देखकर जलता है, मैं उसे देखकर जलता हूँ। अभी मुझसे जलने का कोई फायदा नहीं है, अब मैं तुझे मारना चाहता हूँ। अरे तुम मुझे मारोगे? चलो देखते हैं आज तुम्हें। सुनो नायर, चोट लगेगी तो मेरे पास ही आओगे, चलो जाओ यहाँ से। राज भाई बैठ जाइए, अपना पैक खत्म कीजिए, फिर निकलते हैं। तो सेजल से मिलने की कोशिश की आपने? हाँ? तुम सेजल के लिए इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? तुम दुनिया की लड़कियों को बचाना चाहते हो? अगर तुम्हारा उसके साथ कुछ हो तो मैं छोड़ देता हूँ। अरे मेरा उसके साथ कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता उसे ऐसे सताना ठीक होगा। उस मासूम लड़की की बदबू आज नहीं तो कल हो सकता है। नहीं, मैं... हम इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं, ज्यादा बात करेंगे तो बोर हो जाएंगे। बोर हो गया तो फिर वेटर 2 डबल लार्ज। ऐसे नहीं, तुम लोग ठीक से नहीं कर रहे हो, मैं दिखाता हूं। उतरो, मुके जा, पीछे गिर जाओ। देख, अब कैसे मेजर? फीलिंग बेटर डॉक्टर। दैट्स गुड। अभी कुछ टाइम के लिए इनको यही सेम दवा देनी है। यस डॉक्टर। सर्विस में पहली बार धोखा खाया हूं। रस्सी को पकड़कर जैसे ही ऊपर गया तो तुरंत ही ब्लैकआउट हो गया। 5-6 सिगार पी के और 8-9 पैग रम पी के कोई भी ब्लैकआउट तो हो ही जाएगा। यस दैट इज ट्रू। उम्र तो 40 से ज्यादा हो गई है, अभी आपको हर चीज में कंट्रोल करना जरूरी है, जैसे दारू पीना और सिगार पीना। 1-2 दिन में आप अपने काम पे जा सकते हैं। सी यू टुमारो। सी यू, आई विल जॉइन इन द ऑफिस सर। ओके। राज भाई देखो, ये एक वार्निंग है, शादी करके सेटल होना जरूरी है, तभी तो इस जिंदगी में थोड़ा बदलाव आएगा आपके, नहीं तो लड़की और शराब के चक्कर में आप बर्बाद हो जाएंगे।
देखो, गिरा तो अच्छा ही है, अब मैं यहाँ नई नई लड़कियों से तो मिल सकता हूँ। इन लड़कियों से मिलने का और कोई दूसरा मौका मिलेगा भी तो नहीं, हाँ क्या बोलते हो? आपसे बोलने का कोई फायदा नहीं, कुछ लोग देख कर सीखते हैं तो कुछ ठोकर खाके, पर आपको तो ऊपर वाला ही बचाएगा। पांडे सर, 3-4 दिन मुझे यहीं पर रहने के लिए कहा है ना? जी साहब। अच्छा वह ये आदमी गिर गया, इसका हाथ पैर टूट कर 1 महीना बेड पे पड़ा रहा तो इससे शादी करने की इच्छा हो जाएगी, तब ये भी खुश रहेगा और मैं भी, तब ये भी खुश रहेगा और मैं भी। क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं सर, खाना क्या बनाना है वो सोच रहा हूँ। अरे अरे चाचा गए। हाँ चाचा, क्या तुम्हें पसंद नहीं मेरा आना? साफ साफ बताओ मुझे। बिल्कुल पसंद क्यों? नहीं है। अभी पिछले हफ्ते तो आकर गए थे। हाँ भाई, मेरे बेटे से जब मन करेगा मिलने आऊंगा, इसमें तेरे अनुमति की कोई जरूरत नहीं। चला मैं अपने बेटे से मिलने आया हूँ। तुझे क्या हुआ मेरे बब्बर शेर? अपने चाचा को क्यों नहीं बताया? मैंने तो सपना देखा, तुम जल्दी आओ ऐसा कह रहे थे तुम, इसीलिए मैं दौड़कर यहाँ आया हूँ। जरा इसे पकड़ो, बैठने के लिए कोई कुर्सी नहीं है क्या? नहीं है। बेटा तुम्हें हुआ क्या है? नहीं कुछ नहीं, बस 3-4 दिनों में घर चले जाएंगे। घर तो वापस जाएंगे, तुम तो गिर गए थे ना, तो यहाँ के दवा से कुछ नहीं होने वाला। सुनो, यहाँ कहीं पर ब्रांडी मिलेगी क्या? क्या पी कर पलटने के लिए खाट मिलेगा क्या? मिलेगा। अच्छा गर्म पानी मिलेगा क्या? मिलेगा। काली मिर्ची मिलेगी क्या? बनाने के लिए वो नहीं, बेवकूफ बेवकूफ कहीं का। 2 औंस ब्रांडी में 2 औंस गर्म पानी मिलाकर, 2 स्पून काला मिर्च मिलाकर अच्छे से मिलाएंगे, फिर इसे पिला देंगे। इस तरीके से 6 बार इसे दिया तो, और वैसे ही मुझे भी गर्म पानी में ब्रांडी मिलाकर दिया तो, सारा दर्द दूर हो जाएगा और तुम ठीक होकर दौड़ने लगोगे, और तुम्हें फिर से अपने पैरों पर दौड़ता हुआ चलता फिरता देखकर तुम्हारा चाचा निश्चिंत होकर चला जाएगा। आपको रुकने की जरूरत नहीं पांडे, है ना, 1-2 दिन के बाद गाँव वापस चले जाइए। वैसे माँ कैसी है चाचा? 4 दिन पहले उसका पैर सूज गया था, मैंने काढ़ा पीने को दिया, ठीक हो गई। खैर ये सब छोड़िए, आपको फोन करते वक्त कहा गया था शहर और पापड़ लाओगे, लाए हो क्या? किसे कहा था? माँ को। किसे? माँ को। देखो मैंने कहा था ना राजा बेटे, देखो मैं फिर से भूल गया लाना। अरे तुम्हारी माँ ने दिया था, मैं बैग में डाला भूल गया। मुझे लगता है कहीं दारू पीकर वहीं कहीं छोड़ कर आए हो चाचा। देखो तुम ज्यादा मस्ती मजाक मत क्या करो, मिलिट्री में हो ये भी नहीं देखूंगा। अच्छा, छोड़ो। सुनो, चाचा को अपने क्वार्टर में लेकर जाओ, और चाचा तुम कल सुबह चले आना। यहाँ बहुत ठंड है बेटा। सही कहा, चलो। ये चाचा नहीं चाटने वाला है, ये सारा रम पीकर खत्म कर देगा, क्या करूं? ए चलो, कोई मर गया क्या जो सोच में पड़े हो? कुछ नहीं तो फिर चलो ना। अल्लूपुला में तुम्हारा घर है, पिताजी ड्राइवर का काम करते हैं, एक बड़ी बहन है और एक छोटी बहन और एक भाई भी, सिविलियंस क्वार्टर्स में रहते हो तुम लोग, मुझे दर्द नहीं हुआ। अगर जो हम दोनों एक साथ में रहे तो एक दूसरे को समझ सकते हैं, तो बोलो क्या कहना है तुम्हारा? राज भाई आपने इतनी गंदी हरकत क्यों की? वो लड़की अच्छी है इसलिए उसने अभी तक आपके खिलाफ रिपोर्ट नहीं की है, अगर रिपोर्ट करती तो मुझे भी उसका साथ देना ही पड़ता। यू बिकम सो चीप। राज भाई आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए, सिर्फ इंसानों को खुशी देने के लिए ही औरतों का जन्म नहीं हुआ है। आपके ही दिए पैसों से आज मैंने ये व्हाइट कोट पहना है, इसीलिए मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रहा। एहसान जता रहे हो। आज सुबह डॉक्टर सनी के आने के बाद मैंने अपने बारे में बात की, लेकिन वो बहुत गुस्सा हो गए और मुझे एडवाइस देने लगे कि औरत अपने पति को खुश करने वाली कोई गुड़िया नहीं है, देखा जाए तो स्त्री गुड़िया ही होती है। हाँ तुम्हारे बारे में बताता हूँ, बिहार से नर्सिंग पास होकर पहली पोस्टिंग देहरादून और तेजपुर, फिर अम्बाला, और अभी यहाँ 6 महीने से काम कर रही हो। क्यों दोबारा थप्पड़ मारना चाहती हो? दाएं गाल पर मारी हो, बायां गाल आगे बढ़ना चाहिए ना, अगर तुम कहो तो। हुँ?
क्यों बेटा, मुझे जल्दी आने के लिए तुमने क्यों कहा? क्या है ना, आपको आए हुए 2 दिन हो गए हैं, अब आप जा सकते हैं। तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर तुम्हारा चाचा यहाँ से कैसे जाएगा? अरे कोई बात नहीं सर, का ख्याल रखने के लिए मैं हूँ ना, आप जाओ चाचा। कल सुबह मुझे डिस्चार्ज कर देंगे, डॉक्टर ने कहा। लो सुनो, ये पैसा घर में मत देना, माँ के पास पैसा है। आप सीधे घर ही जाना। नहीं ना, यहाँ से सीधा कोयम्बटूर जाऊंगा। हमारे दुबई के कुटप्पन के बेटे को मेडिकल में एडमिशन मिला है ना, वो अच्छे से पढ़ रहा है या नहीं ये देखना है। वहाँ एक दिन रुकना है, वहाँ का माहौल देखकर वहाँ से सीधा पलक्कड़ के लिए निकलूंगा। पलक्कड़ में अपने भाई के बेटे से मिलकर आऊंगा। कहीं नहीं जाना है, सीधा घर पर जाओ। आपको जरूरत से ज्यादा पैसा दिया हूँ, आप बेकार में कहाँ घूम रहे हो? हाँ बेटा, मैं सब जानता हूँ। चाचा को तुम सब बेवकूफ समझते हो। शादी हुई या कोई तकलीफ हुई या फिर मौत हो गई किसी की, चाचा की जरूरत सब जगह है, सब कुछ संभालने के लिए। लेकिन अब मैं सब पर बोझ बन गया हूँ, ये चाचा सब समझ गया बेटा। अरे वो बात नहीं है चाचा, आप फालतू में घूमो मत, आप सीधे घर जाओ, बाकी का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, तुम किसी भी बात की चिंता मत करना। लेकिन ये चाचा किसी की बात नहीं सुनता है ना? क्या? पर तुम्हारी बात मैं मानता हूँ, तुम ही तो मेरी वीकनेस हो बेटा। हाँ ठीक है चाचा, आप जाओ। हाँ अभी देर मत करो, मैं आपको बस स्टॉप तक छोड़ देता हूँ, वरना बस नहीं मिलेगी और आप फिर वापस आ जाओगे। सुन पांडे, मेरे साथ मस्ती मत कर, चुपचाप मेरी पेटी उठाकर चल, मेरी मदद कर, खड़े खड़े मजाक मत क्या कर मुझसे। मेरे प्यारे राजा बेटा, तुमने मुझे पैसे दिए थे ना? हाँ। मैंने कहाँ रख दिए? पॉकेट में। पॉकेट में? अब मेरी उम्र हो गई है ना, तो मैं भूल जाता हूँ। आप ये नहीं भूलते क्या? इसमें तुम्हें कोई तकलीफ है क्या? ये क्या तकलीफ होगी? अरे मारिया, तुम क्या ड्यूटी बदल गई? तुम्हारी हरकत ही ऐसी थी, शेजल ने छुट्टी ले ली। क्यों? सभी मारिया के जैसे नहीं होते मेजर साहब, अब आपके डिस्चार्ज होने के बाद ही शेजल ड्यूटी ज्वाइन करेगी। गुड नाइट मेजर साहब। गुड नाइट। मेरे डिस्चार्ज होने के बाद में तुमने ड्यूटी ज्वाइन करने का सोचा था ना, इतना नफरत क्यों करती हो? गंदी नजर से आप मुझे मत देखिए प्लीज, आप मुझे परेशान मत कीजिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, पर अब ऐसी गलती ना करने का फैसला किया हूँ। नाउ आई एम सीरियस, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने ऐसी बातें बहुत लोगों से सुनी है, सिर्फ आपसे ही नहीं, आप मेजर हो और मैं एक नर्स हूँ, मैं अपने आप को अच्छे से जानती हूँ। मिलिट्री बैकग्राउंड में इस तरह के नाटक में मैं नहीं फंसना चाहती हूँ। आप मुझे प्यार के नाटक में मत फंसाइए, यह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, माफ कीजिएगा। आई एम सॉरी। राज भाई, आपको सोच समझकर फैसला करना चाहिए। एक शराबी पिता और शादी के लिए तैयार हुई उसकी बेटी, जिसके भाई को रोज पुलिस पकड़ के ले जाती है, उसकी छोटी बहन स्कूल जाती है, इन सबकी जिंदगी सेजल की कमाई से ही चलती है। राज भाई, सिर्फ आप नहीं बल्कि आपके परिवार वाले भी शादी के बारे में नहीं सोच सकते। राज भाई की बातें सिर्फ राज भाई ही फैसला करेगा, तुम सिर्फ सेजल के पिताजी से मिलने का इंतजाम करो बस। आई रियली मीन इट, आई एम रियली सीरियस। ओके, मैं बात करता हूँ, सी यू टुमारो, गुड नाइट। गुड नाइट। अरे अरे छोड़ो, ये मेरा पैसा है, मैं ये पैसा नहीं दूंगा। अरे ये मेरा पैसा, ये पैसे मेरे कैसे हो गए? मेरे पैसे को हड़प जाना चाहता है? आपने निकाल के दारू पी है? पैसे नहीं है, सेजल आएगी तो पैसे देगी तुम्हें। चल दूर है, पैसे पैसे भूल जा। मेरा पैसा है। आइए आइए।
हम बाप बेटा मस्ती मजाक किया करते हैं ऐसे? ये मुझसे अर्जेंटली 100 रुपए मांग रहा, मैं आपसे ये बात शेयर कर सकता हूँ है ना, तो मुझे 100 रुपए दे दीजिए ना। और भी अगर हैं तो 100 रुपए और दे दीजिए ना। ओके साफ लेकर आना। ये मेजर राजशेखर जी हैं। मैं डोमिनिक फर्नांडिस, मैं मिलिट्री में ड्राइवर था, रिटायर हुए बहुत दिन हो गए। लेट्स गो इनसाइड प्लीज कम। प्लीज प्लीज प्लीज। ओह मैं ऑफर नहीं कर सकता हूं, सॉरी। मैंने सेजल से बात की थी। हाँ उसने मुझे बात बताई थी। हाँ अब बात करेंगे। सुनिए जो सही बात है मैं वही कहूंगा। मेरी बेटी सेजल खूबसूरत है, इसकी वजह से उसके ड्यूटी वाले कैंपस में उसके इसी खूबसूरती की वजह से लेफ्टिनेंट से लेकर कंपाउंडर तक के सारे लोग सुजैन से शादी करना चाहते हैं, लेकिन मेरी शर्त की बात सुनकर कोई भी दोबारा नहीं आया। आप भी नहीं आएंगे मुझे पूरा यकीन है। नैंसी, मेरे 4 औलाद हैं, 3 लड़की और 1 लड़का। मेरी बीबी बहुत दिनों से बीमार होकर बेड रेस्ट में है। हाँ ये सेजल की बड़ी बहन है नैंसी, दुकान में टेलर की काम करती है। ये जूली है, 10वीं क्लास में है। मेरे बेटे को तो अपने घर के बाहर देखा ही था, उसे कोई काम नहीं करना है, दूसरों को काम पर लगा देना यही उसका काम है बस। यही तो घर की हालत है। आप लोग चाहे तो पियो। एक बात सुनिए, बड़ी बेटी की शादी करनी है, बेटे को नौकरी दिलवानी है, छोटी को पढ़ाई करवानी है, मेरी बीबी का इलाज करवाना है, मुझे मिले पेंशन से मैं शराब भी नहीं पी सकता, मेरी कमाई से तो पूरा घर चलने से रहा, तो सारा खर्चा सेजल की कमाई से चल रहा है। सच बताऊं तो सेजल है ना हमारे घर के दूध देने वाली गाय की तरह है। एक बात और, यहाँ का सारा काम और सारा खर्चा जो उठाएगा उसी से सेजल की शादी होगी, यही मेरी शर्त है। मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ सेजल खुशी खुशी रह सकती है। हाँ मैं सब जानकर ही यहाँ आया हूँ, मैं सोच समझकर सनी से बोलता हूँ। ठीक है बहुत बढ़िया। हाँ और ये भी सुन लो, हमें हर महीने 1 तारीख को अच्छी रकम मिल जानी चाहिए, अगर ये मंजूर है तो बात आगे बढ़ाऊं। ठीक है। हाँ आपने फैसला कर लिया होगा कि सेजल से शादी करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। पहले मुझे सिर्फ प्यार था, पर अब मुझे उन पर रहम आया है। वैसे उनकी सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। उन्हें देखकर किसी को भी उन पर रहम जरूर आएगा। आपके स्टेटस के हिसाब से ये शादी कभी भी ठीक नहीं होगी, ये सोचकर ही फैसला लीजिएगा। अगर आवेश में आके आपने फैसला ले लिया तो आपकी जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है, बस मुझे इसी का डर है। नो, इतने साल से मैंने मना किया था, पर अब मुझे उससे शादी करनी है। ये फैसला मैंने सोच समझ कर फैसला किया है। आई वॉन्ट हर, आई मैड आफ्टर हर। सेजल के पिता ने जो जो शर्तों के बारे में कहा है वो सब मानने को तैयार हूँ। हर महीने 1 रकम उनके घर पहुंचेगी। आपके माँ की भी कोई इच्छा होगी, वो भी तो जानना जरूरी है ना। उनकी इच्छा से कुछ नहीं होगा। इस बार त्योहार पर घर जाएंगे, तुम भी चलना। माँ से तुम मंजूरी लेना। घर में माँ चाचा सबके सब शादी के खिलाफ बोलेंगे, पर मुझे उन लोगों की मंजूरी की कोई जरूरत नहीं। कुनूर में रजिस्टर मैरिज करेंगे। अब जो फैसला मैंने कर दिया वो आखिरी फैसला है। सांबर डालने के लिए चावल में गड्ढा करना चाहिए, मैं गड्ढा कर दूं। सुनो बेटा, बच्चों को ठीक से खिलाना। हाँ अरे ऐसे कैसे, राजशेखर बेटा यहाँ आ गया तो इस इंसान को जम कर पीने को मिलेगा। मैं यहाँ अच्छे से पीऊंगा, अभी पीकर आया भी हूँ। मैंने पिया भी है तो काम पर ध्यान देता हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो बाथरूम समझकर किचन में पेशाब कर देते हैं। मैं किसी का नाम लेकर तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों का ये स्वभाव बन गया है। ऐसी बातें करना बंद करो,
देखा, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये असली वही है। अरे आप चिंता मत करो, मैं सब लोगों से बोल देती हूँ, वो आपकी शादी जल्दी करवा देंगे। अरे शादी की एक उम्र होती है। सनी, राज तो शादी करने के लिए मना कर रहा है। अरे तो कम से कम तुम तो शादी कर लो। अरे ज्यादा से ज्यादा मैं कुछ ही सालों की मेहमान हूँ, मेरे जाने से पहले मैं अपने बेटे की शादी देखना चाहती हूँ। हरे कृष्णा। इस बार राज भाई ने फैसला ले लिया है कि वो माँ से शादी की बात करेंगे। दहेज कम होगा तो चलेगा, एक अच्छे खानदान की लड़की चाहिए, ये हम चाहते हैं। एक बात तो हम माननी पड़ेगी, फिलहाल हमारा राजा शादी के लिए मान गया है, इस सनी के कारण ही सही, और मैंने भी इसे शादी करने के लिए धक्का दिया। मैं माँ जी से ये बात कैसे बोलूं, उस समय मैं हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था, और उस समय चाचा ने एक शब्द भी नहीं बोला। चुप रहकर मैं नहीं बोलता, वो नहीं करता। मैं कुछ नहीं बोलकर अगर चुपचाप खड़ा रहता तो सबको ये नहीं लगता वहाँ गड़बड़ है, इसीलिए मैं चुपचाप खड़ा था, तुम समझ गए ना। राजा बेटा बताओ इन्हें। जो भी हो, भाई एक नर्स के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गए। लगता है सनी भाई भी अपनी शादी के लिए एक खूबसूरत नर्स को पसंद कर लिए होंगे। सच कहूँ तो मुझे सनी की शादी से डर लगता है। राजशेखर का कोई टेंशन नहीं है, उसके पिताजी ने बहुत पैसे कमाए हैं, हमारा तो सनी के अलावा और कोई सहारा नहीं है, हम लोग तो उसी के भरोसे हैं। माँ आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अच्छी लड़की मिलेगी तो ही सनी शादी करेगा। देखो मैंने भी तो शादी के लिए मना कर दिया था, पर सेजल के मिलने के बाद मेरे अंदर बदलाव आ गया और मैंने शादी के लिए हाँ कह दी। अगर मैं सच कहूँ तो मैं भी एक क्रिश्चियन लड़की से प्यार करता हूँ। उसका नाम क्या है? चूहा। अरे चूहा नहीं बोला मैंने। ओ, हाँ। उसका नाम चू या छे से शुरू होता है, मैं भूल गया, लेकिन मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, हर रोज उसे देखना चाहता हूँ, लेकिन पता है मैं उसके पास जाता हूँ तो अपने भाई के पास चली जाती है। खैर ये बात छोड़ो, शादी की बात करने के लिए चाचा अपने पैसों से देसी ताली लाएंगे, ऐसा कहा था। चाचा के खर्चे से नहीं, राजशेखर के खर्चे से चाचा के द्वारा इंतजाम होगा, ऐसा कहा था मैंने। खाने के लिए चिकन तंदूरी, बत्तख का मांस, मच्छी फ्राई, ये सब मैं लाऊंगा। लेडीज से हाथ जोड़कर विनती करूंगा वो चली जाए, इन लोगों के रहते हम दावत का आनंद सही से नहीं ले सकते है ना, कृपया आप चले जाए। ठीक है माँ, अब हम चलते हैं। तुम इस परिवार के बड़े बेटे हो, लेकिन तुम अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं समझते हो। तुम्हारी उम्र के लड़के अपनी बीवी बच्चों के साथ कितनी खुशी से रहते हैं, तुम्हें देखकर मुझे कितना दुख होता है कि तुम ऐसे क्यों हो। भगवान से प्रार्थना है कि तुम्हें सद्बुद्धि दे और तुम भी अपनी गृहस्थी बसाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद है। बैगन रखो। हमारे मना करने के बाद भी तुम मानोगे नहीं। मैं जानता हूँ कूनर में रजिस्टर मैरिज का प्लान है, ये हम जानते हैं, लेकिन हम वहाँ आएंगे नहीं। शादी होने के बाद अपनी बीवी को यहाँ लेकर आना, समझ गए? सनी ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, यह मैं अच्छे से जानता हूँ। मैंने तो अपने घर वालों को शादी के लिए मनवा लिया है, तुम्हारे पिता के सारी शर्तों को मानने के लिए भी तैयार हूँ, और अब मैं तुम्हारा फैसला जानना चाहता हूँ। अभी बताने की कोई जरूरत नहीं, आराम से सोच के बताना। मैं भी उस तरफ ही जा रहा हूँ, तुम्हें ड्रॉप कर दूँ? नहीं, मैं चलकर चली जाऊंगी। अरे मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ, चलो बैठो। शादी होने के बाद वो आपके परिवार के साथ एक भी दिन रही तो सब ठीक हो जाएगा, सेजल को हर कोई पसंद करेगा, बस आप देखते रहिएगा, माँ जी को सेजल ना बहुत पसंद आने वाली है। कंडोलेंस ब्रदर। नॉर्मल से लोग चाय की दुकान पर जाकर फ्रेश चाय पीते हैं, लेकिन मुझे लगता है आपको झूठी चाय पीना पसंद है। मैं समझा नहीं। जाने दो ना राज भाई, जान बुझ के पंगा ले रहा है, छोड़ दो।
डॉक्टर, मैं तुम्हारी बात को समझ गया। इस्तेमाल की हुई दवा को दूसरी बोतल में नई दवा बनाकर दे दिया। स्मार्ट हो। व्हाट डू यू मीन? बहुत बार इस्तेमाल की हुई चीजें दूसरों के ऊपर कैसे चिपकाया जाता अच्छे से जानते हो तुम। बस हो गया। राज भाई के घर पे दारू पीना सिगरेट पीना शादी के बाद बंद होने वाला, इससे चाचा को तकलीफ होगी, इसलिए चाचा को पहले जैसे सुविधा नहीं मिलेगी। एक दरवाजा बंद होने से दूसरा दरवाजा खुल जाता है, तो कृपा करके आप चाचा के पीछे ना पड़े तो अच्छा है। मेरा कोटा कुन्नूर जाऊं तो अभी भी है, हमेशा रहेगा। कुछ भी बोलो, सेजल को मानना पड़ेगा, राज सर की सारी बुरी आदतें खत्म हो गई। ऐसा नहीं है दीदी, लोगों को वश में करने के लिए नर्स का इंजेक्शन ही काफी है। मैं सही कह रही हूँ ना? अरे तुम लोग अपने पति को वश में करने के लिए कुछ भी नहीं जानते। आप लोगों के पति को मूत्र विसर्जन करने के लिए भी आपके इजाजत की जरूरत है ना? कितना गुलाम बनाकर रखा हुआ है अपने पतियों को। अरे कोई नहीं हंसा तो मैं हंसता हूँ। अच्छा ये तो बताइए, शादी को पूरे एक साल हो गए, अभी तक बच्चा नहीं है। लोग तो शादी के बाद तुरंत ही बच्चा कर लेते हैं। ये तो कम उम्र वाले करते हैं, अभी आप लोग यहाँ रहोगे तो जरूर बच्चा होगा। मैं कहती हूँ बच्चा नहीं है, इस बात को ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। अभी ये लोग यहाँ पर है ना, यहाँ रहकर आराम से खाएंगे सोएंगे, खाएंगे सोएंगे, खाएंगे, इनके झगड़े अपने आप मिट जाएंगे। ये आप लोगों पर लागू नहीं होता, ये नए शादीशुदा लोगों के लिए है। दुनिया का जो नियम है मैं बोल रहा था, दीदी इसे खा लो और उस बहन को भी दे दो। ये मेरा पुराना फोटो है। ये बताओ कौन है? कौन है? नहीं जान। दीदी आपने सही कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसे देखकर आपको पता चल गया कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, उसका गर्भ का थैली होगा तो ही बच्चा होगा ना। वो अपने गर्भ के थैली को निकालकर ही इनसे शादी की है। सही कह रही हो, हमारे राजशेखर भाई ने किसी तरह से अगर शादी भी की तो वो तो किसी काम की नहीं है। वो नर्स है ये तो हम लोग जान गए, इसलिए वो वैसे ही होगी ना।
तुम रो मत, इनकी बात को अनसुना करो, ये लोग ऐसे ही हैं। हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम कल ही कुनूर चलते हैं। सुनो, अच्छी बातें करना नहीं आता तुम्हें? मुझे तुम लोगों को पहले ही डांटना चाहिए था। तुम्हारा बड़ा बेटा अमेरिका में एक झाड़ू वाली से शादी किया है, सुना है वो उसका तीसरा पति है। तुम्हारी मौसी के बेटे ने एक विधवा औरत से शादी की है। देखो, मेरे मुंह से गलत बातें मत निकलवाओ, तुम लोगों के लिए सही नहीं होगा। हाँ, सावित्री और रुक्मिणी रो रही थी बेटा, तुमने उन्हें कुछ कह दिया क्या? उन लोगों ने क्या कहा जानती हो? खैर, वो सब छोड़ो, तुम दूसरे धर्म की लड़की लाए हो, इससे हमारे घर की बदनामी हुई है। अब इस बारे में तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन और बदनामी मत कराओ, देर मत करो बेटा। तुम दोनों जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लो, एक बच्चा होना बहुत जरूरी है बेटा, नहीं तो इस घर का सारा धन लूटने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। मैं कोई सड़क में चलने वाली को उठा कर लेकर आया हूँ, ये उन लोगों की सोच है। जब मैं अपनी माँ के पास जाऊँ तो मुझे अपने बच्चे को साथ में ही लेकर जाना पड़ेगा। इस जमाने की यही प्रॉब्लम है। डॉक्टर राजलक्ष्मी को मैं पर्सनली जानता हूँ, द बेस्ट गायनोकोलॉजिस्ट इन टाउन। मैं उन्हें फोन करके बता दूंगा, आप दोनों जाके उनसे मिलिए, सब ठीक हो जाएगा। आप दोनों नॉर्मल हैं, ये रेयर केस है। नॉर्मल कपल में भी ऐसी दिक्कतें आती हैं, कुछ लोगों को बच्चे देर से भी होते हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। आप लोग ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए, वैसे तो आजकल बहुत सारे इनह्यूमन रास्ते हैं। कुछ औरतों को एबॉर्शन के बाद भी बच्चे आसानी से हो जाते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है, लेकिन शेजल की ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है। एनीवे, मैं थोड़ी दवाइयाँ लिखकर देती हूँ आपको, उसी समय से लेना। देन लेटर वेट एंड सी। सुनिए मेजर साहब, मैं जो बात है वही बताता हूँ। मेरी बेटी सेजल है ना, बहुत खूबसूरत है, और उसकी इसी खूबसूरती की वजह से वो जिस कैंप में काम करती है ना, लेफ्टिनेंट से लेकर कंपाउंडर तक सब उससे शादी करने की बात करते हैं। जब वो मेरे पास आते हैं तो मेरी शर्त सुनते हैं, फिर वो लोग दोबारा नहीं आते मेरे पास। शायद आप भी नहीं आएंगे। बहुत जगह में घूम कर इस्तेमाल किए हुए पुराने माल को आपने अपना लिया, ये मैं कहना चाहता हूँ आपसे। उसे गर्भ का थैली होगा तो ही बच्चा होगा ना, उसने थैली निकाल कर ही शादी की है, वो कभी माँ नहीं बन सकती है। बेटा, तुमने दूसरे धर्म की लड़की से शादी की है, इससे हमारी बहुत बदनामी हुई है। मेरी बात मानो बेटा, और बदनामी मत करवाना। बार बार एबॉर्शन कराने वाली औरतों को भी बच्चे होते हैं, लेकिन शेजल की हिस्ट्री वैसी तो नहीं है। पर मुझे तो शेजल की हिस्ट्री ऐसी ही लग रही है। गुड इवनिंग मेजर साहब। हाँ, गुड इवनिंग। क्या हुआ? एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, ठीक कर दिया। शेजल से कोई बात हुई क्या आपकी? नहीं तो। भाग्यशाली है हमारी शेजल, हमारी किस्मत वैसी कहाँ कि हमसे कोई ऑफिसर शादी करे। सबके रास्ते इतने आसान नहीं होते हैं, और लोगों को एबॉर्शन तक करना पड़ता है, लेकिन आपने शेजल से प्यार करके शादी की है। मैंने उसे याद किया, उसे बता दीजिएगा। सुनिए जी, ये हमारे पिताजी के क्लोज फ्रेंड हैं। आई एम मैडी डिक्रूज। हेलो, मैं यहीं पास से हूँ। हम अंबाला कैंप में रहते वक्त बहुत ही करीब आ गए। हर रोज मैं और फर्नांडिस साथ में ही रहते थे, हम दोनों अक्सर ही मिलते थे। मैं फर्नांडिस से मिलने गया था तब पता चला उसकी शादी हो गई। यू आर वेलकम, प्लीज टेक योर सीट। नहीं, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता,
अभी मैं जयपुर कैंप पे हूँ, मुझे जल्दी जाना है, मैं चलता हूँ। सी यू अगेन। ये आदमी कौन है? पिताजी के क्लोज फ्रेंड हैं। अंबाला हॉस्पिटल में काम करते वक्त ये आर्मी में कैप्टन थे। ये हर रोज हमारे पिताजी से मिलने आते थे। पिताजी का फ्रेंड? ट्रक ड्राइवर का कैप्टन कैसे फ्रेंड हो गया? तुम्हारे पिताजी को एक पैक के बहाने कोई भी मिलने आ सकता था ना। हम जहाँ रहते थे वहीं से हमारी जान पहचान हुई। मैंने उनके रैंक को नहीं देखा और हमारी दोस्ती हो गई। ओहो, मतलब ये बहुत पुरानी दोस्ती है। दोस्ती को रिन्यू करने आया होगा। सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस तरह पुराने कैंप के दोस्त ने कहकर कोई मेरे घर पर आए, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, समझे तुम? सेजल गर्भवती हुई या नहीं ये मुझसे पूछते हैं। सेजल कैसे गर्भ धारण करेगी, मेरा सवाल अभी वो नहीं है। सवाल ये है कि पहले कभी हुई या नहीं हुई। दिल्ली, आदमपुर, अंबाला, बेंगलुरु, इंडिया के सारे कैंप में घूमने वाली लड़की से मैंने शादी कर लिया ना। द ग्रेट ट्रक ड्राइवर फर्नांडिस की बेटी सेजल, खूबसूरत नर्स। अभी मेरे घर में उसके पुराने प्रेमियों का आना शुरू हो गया। मिलिट्री वालों के लड़ने में ही बहुत बड़ा थ्रिल है। लड़कर जीतने के बाद अगर उनका महत्व नहीं समझा तो वो एक बंजर जमीन के जैसा होगा, लेकिन बर्बाद तो जमीन ही होगी ना। मैं मानता हूँ, लेकिन युद्ध की धरती से डरकर भागे तो मिलिट्री वाले को मरना मंजूर है। कोई भी मिलिट्री वाला इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। ये सब जानने के बाद ही मैंने शादी के खिलाफ आवाज उठाई थी, पर आप ही नहीं माने। मुझे लगा आप बहुत बड़े दिल वाले हैं, पर अब आपको समझ में आ गया होगा कि मेरी बात सही थी। राज भाई, मैं सच बोलना चाहता हूँ। सेजल का जहाँ जन्म हुआ बेशक वो गंदी जगह हो सकती है, बट शी इज अ परफेक्ट वुमन, रिस्पेक्टेबल वुमन। इन लड़कियों के गुण के बारे में मुझे मत समझाओ तू। मैंने 100 से ज्यादा लड़कियों से दोस्ती की है, पर तुमने नहीं की। आपकी यही कंफ्यूजन है कि आपके पास्ट में जो भी लड़कियां थी हमेशा आप उनके बारे में ही सोचते रहते हैं, पर पवित्र लड़कियां आज भी इस दुनिया में हैं और सेजल उनमें से एक है। सॉरी, आई डोंट बिलीव इन दिस। जो भी हो, मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। मुझे तो अब समझ में आ रहा है, उसे चारों तरफ से ट्रैप करना चाहिए। विल यू प्लीज स्टॉप इट। अगर मैं यहां रहूंगा तो हो सकता है आपको कुछ कह दूंगा। गुड नाइट। गुड नाइट। सेजल के बारे में बोला तो सनी जा रहा है, जिगरी दोस्ती है। सुनो पांडे। जी साहब। ये सारा सामान अंदर ले आओ। जी साहब। ये आदमी उस बेचारी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर ही देगा। मेरे बिना तुम खा नहीं सकती हो। ए, देखो, झूठा नाटक करना बंद करो। तुम मुझे सच सच बताना कि तुमने अभी तक कितने अबॉर्शन किए हैं, इसीलिए तुम गर्भवती नहीं हो पाई। मैंने कोई गलती नहीं की। गलती की बात होती तो मैं माफ कर देता, पर यह तो तुमने जानबूझकर किया है। लेकिन तुम मुझे बच्चा नहीं दे सकती हो ना, इसलिए तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा हूं। मुझे समझ में आ गया है कि इस गलती का कारण मैं हूं।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर मैं ये गलती सुधार नहीं सकता तो इससे मैंने तुम्हें धोखा दिया है ऐसा लगेगा मुझे। मैं खुलकर बोल रहा हूं, ऐसी गलती अब कभी नहीं होगी। तुम्हें पाने के लिए मुझे बहुत पैसे खर्च करने पड़े, मुझे बहुत कुछ सहना पड़ा। कोई बात नहीं, अब मुझे तुम्हें छोड़ने के लिए मुझे कितना भी नुकसान क्यों ना उठाना पड़े, मैं अब पूरा खर्चा देने के लिए तैयार हूं। मुझे बताओ, मैं वो सब भरने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। जब आपने मुझसे शादी के लिए कहा था तब से आप मेरे लिए भगवान बन चुके थे, इसलिए अब मैं क्या कहूं यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे घर परिवार के लिए आपने हर तरह की मदद की है, आपको देने के लिए सिर्फ मैं ही बची थी। उस नुकसान के बदले इस पति पत्नी के रिश्ते को दूर नहीं किया जा सकता है। मुझे आपके पैसे की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और अब मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। साहब, अभी चाचा का फोन आया था, माँ जी बहुत सीरियस हैं, आपको और मैडम जी को तुरंत आने के लिए कहा है। कमांडिंग ऑफिसर को फोन करके बताना ये लीव एप्लीकेशन पहुंचा दो। यस सर। तुम्हें सेजल को भी साथ लेकर आना चाहिए था, माँ पूछती रहती है राजा नहीं आया सेजल नहीं आई, मैं क्या कहूँ उनसे। हाँ मैं लाता हूँ। भाई माँ बुला रही है। सेजल को देखना चाहती हूँ, पता नहीं मैं बचूंगी कि नहीं बचूंगी। ये खानदानी चाबी है, लॉकर में पुराने सारे जेवर रखे हुए हैं, अब वही इसकी मालकिन है। शुरू शुरू में तो वो मुझे पसंद नहीं थी, लेकिन अब वो मेरे मन में बस गई है बेटा। अब मैं उसे अपनी बहुरानी मानती हूँ, तुम उसे परेशान मत करना। वो इस घर की लक्ष्मी है, उसे खुश रखना। सुनो बेटा, वो बहुत अच्छी है, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा बेटा। हेलो। हेलो राज भाई, मैं गोपी बात कर रहा हूँ। देखिए डरने की बात नहीं है। क्या बात है बोलो। दरअसल बात यह है कि आज सुबह सेजल ने पॉइजन पी लिया। क्या? वो इस समय हॉस्पिटल में भर्ती है, लेकिन अब डरने की कोई बात नहीं है, मैं उसे घर लेकर आ गया। मुझे आना पड़ेगा क्या? अभी माँ जी कैसी है? वो तो सीरियस कंडीशन में है। तो फिर आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं, प्लीज टेक योर मदर। ओके, थैंक यू वेरी मच सनी, तुम्हारे वहाँ रहने से मेरी हिम्मत बढ़ गई है। ओके सनी को बुलाना पड़ेगा माँ का अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए। सेजल के बिना कैसे? सेजल नहीं आ सकती, उसकी तबीयत खराब है। कल मैं सेजल को लेकर वापस आता हूँ।
मैं चलता हूँ। सेजल कहाँ है? मीम साहब बेडरूम में है। साहब के जाने के बाद मेम साहब बेडरूम में जाकर उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मैंने कई बार बुलाया लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसी वक्त सनी जी भी आ गए। कई बार कोशिश किया, मेम साहब ने दरवाजा नहीं खोला। शक हुआ तो दरवाजा तोड़ा। मेम साहब बेहोश थे तो सनी साहब उनको हॉस्पिटल लेकर गए और उन्होंने उनको बचा लिया। अभी वो ठीक है। दारू सोडा और ग्लास लाओ। जी साहब। आप मेरी बात का बुरा मत मानना, मेम साहब को तकलीफ मत दीजिएगा, वो बहुत ही अच्छी है। पांडे तुम जाओ, कल सुबह आ जाना। जाओ। जी सर। कुछ मत बोलो, सारी गलती मेरी है। माँ तो चली गई, माँ की आखिरी इच्छा थी वो सेजल से मिलना चाहती थी। मैं उनकी इच्छा को पूरी नहीं कर पाया, पर मुझे उनकी दूसरी इच्छा पूरी करनी है। तुम्हें दुख न देकर खुशी की जिंदगी देना चाहता हूँ। तुम्हारे गर्भवती ना होने से और दूसरे लोगों के दुख देने वाली बातों से मैं बहुत तंग आ गया था। अब हमारे कोई बच्चा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम एक बच्चे को गोद ले लेंगे। माँ का आशीर्वाद मिलेगा तुम्हें। हमें माँ का आशीर्वाद मिले बस यही काफी है। सब बातें अब भूल जाओ तुम। सेजल मेरी गलतियों को माफ कर दो मुझे। सेजल, सेजल आंसू पोछना, लगता है सनी आ गया। चलो चलो, कम ऑन। राज भाई, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। तुम क्या बताना चाहते हो मैं जानता हूँ राज भाई। वो तुम कुछ भी मत बोलो, मैंने जो भी गलती की थी सेजल ने माफ कर दिया है। अब हम दोनों एक साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी जिएंगे। माँ की आंखें बंद होने के बाद अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मेरी माँ की आखिरी इच्छा थी कि वो मेरी बीवी सेजल से मिले, पर वो नहीं मिल पाई। मुझे सेजल के वापस मिलने से मैं भगवान को और तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अभी कुछ दिनों के लिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। माँ के शांति भोज कार्यक्रम तक हमें गांव में ही रहना होगा, तभी उनको शांति मिलेगी। कम ऑन, वी विल हैव अ ड्रिंक। नो थैंक यू, यू कैरी ऑन, आई विल सी यू टुमारो। रामू सारा बर्तन साफ कर दिया ना? अरे आने में बहुत देर हो गई थी। उस कोने में बर्तन रखा था, देख लिया क्या? हाँ साफ किया। अरे आराम से जाना, अपना ध्यान रखना। हाँ अब तुम जाओ। ये लो, देखो अभी आप बाहर घूमना बंद कर दो और यहाँ हमारे बगीचे का काम देखते रहना, मैं आता रहूंगा। ये दारू और घूमने फिरने के बिना मैं नहीं रह सकता, तुम जानते हो ना, मुझे तो माफ ही करो। अब हम खुशी खुशी यहाँ से कुनूर जाएंगे। तुम लोग खुशी से जाओ, मैं यहाँ अकेला रह लूंगा। चलो। Thank you.
हेलो डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राज भाई, आप कब आए? आज सुबह आया, यात्रा में थक गया था तो सो गया था। एवरीथिंग इज फाइन? यस एवरीथिंग इज फाइन। एक गुड न्यूज है। वो क्या है? मेरा प्रमोशन और ट्रांसफर हैदराबाद हुआ है, इसी मंडे को मुझे रिपोर्ट करना होगा। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तुम्हें प्रमोशन मिला है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन तुम यहाँ से जा रहे हो ये तो बुरी खबर है। आज थर्सडे है, तुम्हारी स्टैंडअप पार्टी मेरी तरफ से सैटरडे को मनाएंगे ऑफिसर्स के साथ। ओके ओके सर, थैंक यू। इतने दिन के बाद मुलाकात हो रही है, किस लिए पार्टी रखी है? कैसे हो? फिर भी अच्छा लगा आप लोगों से। बहुत प्यारा है। मम्मा मुझे आइसक्रीम चाहिए। काफी दिनों बाद से मिला नहीं था। हेलो, मैंने सोचा मिल लूंगा उससे। चलो ना आइसक्रीम खाते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों को एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी सुनाने जा रहा हूँ। माई वाइफ इज प्रेग्नेंट। अब चलते हैं, सारे लोग चले गए। ओके, तो मैं राज भाई कल सुबह की ट्रेन से मैं चला जाऊंगा। हैदराबाद रिपोर्ट करने के बाद वहां से अपने घर जाऊंगा। तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो कोई बात नहीं, पर तुम दिन ब दिन उन्नति करते जा रहे हो ना, इससे तुम्हारा भाई बहुत खुश है। ऑल द बेस्ट। सुनिए जी, हाँ? अपनी बेटी 204 में गई है, एक बच्ची के साथ गई है। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। श्वेता, श्वेता, कम ऑन। आप, व्हाट अ सरप्राइज। सनी, तुम यहाँ? हमने जस्ट अभी चेक इन किया है, जस्ट फॉर अ हॉलीडे। हम भी यहाँ हॉलीडे के लिए आए हैं। ये सामने वाले रूम में है। हाँ, ये डेजी है। डेजी, मैं जिस राज भाई की बात करता हूँ। हेलो। मैं आपकी शादी में आया था। हाँ। उसके बाद मुझे तुम्हारी कोई खबर ही नहीं मिली। मेरी शादी के बाद मेरा ट्रांसफर बेंगलुरु हो गया, उसके बाद में वहीं सेटल हो गया। इसका परिवार भी वहीं रहता है। हाँ, इसीलिए चाचा ने कहा कि यहाँ का घर बेचकर सनी यहाँ से चला गया। वैसे अच्छा किया तुमने। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? प्रिंसेस। नाइस नेम। सेजल, अ बिग सरप्राइज, ये देखो कौन है। ये डेजी है। हेलो। हेलो। कुछ भी हो, ये प्रेजेंट सरप्राइज हमें अच्छी लगी। हमारे चाचा है ना? हाँ। वो भी यही हैं। हाँ। उनसे मिलेंगे। ठीक है। मैंने एक बहुत पैसे वाले की बेटी के साथ शादी की, इसलिए मैंने 3 सालों में अपनी 3 बहनों की शादी बहुत ही धूमधाम से करवाई। बेंगलुरु में एक बंगला खरीदा और मेरी माँ भी मेरे साथ है। आई एम सो लकी, क्योंकि डेजी को पैसे का बिल्कुल भी अहंकार नहीं है। मेरी पत्नी डेजी मुझे बच्चे की तरह प्यार करती है। राज भाई, यू आर ऑल्सो हैप्पी? ओह यस, एक्सट्रीमली हैप्पी। उस टाइम जो प्रॉब्लम थी, उसके बाद सब ठीक हो गया पूरी तरह से। गुड इवनिंग सनी। गुड इवनिंग। अरे चाचा, आप आइए। चाचा बैठिए ना। अच्छा, तुम कहाँ रहते हो? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में तो बहुत ठंडी है ना, थोड़ी गर्मी भी है, अच्छा क्लाइमेट है। अब लोग एक साथ 4 पैग मार कर मजे से रह सकते हैं वहाँ पर। यू आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू। चाचा की फेवरेट चीज आ रही है। चाचा, आप इसे खोलो। ये परिवार वालों के मिलने की खुशी में उद्घाटन कर रहा हूँ इसका। Ha 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 ha
अगर कभी त्रिवेंद्रम आना तो सीधे यहीं चले आना, यहाँ वहाँ भटकने की कोई जरूरत नहीं। राज भाई आप यहाँ पर हैं, मुझे पता ही नहीं था। राज भाई, शेजल और बच्ची के साथ बेंगलुरु आना, हमें अच्छा लगेगा। बिल्कुल, ये लोग वहाँ नहीं आए तो भी चिंता मत करना बेटी, मैं तो वहाँ हमेशा आता रहूंगा। मुझे वहाँ जाना बहुत पसंद है, मुझे वहाँ के लोगों से मिलना मेरी वीकनेस है। और क्या कोटा होना जरूरी है? कोटे की क्या बात हो गई, इमरजेंसी कोटा। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मेरी प्यारी सी छोटी गुड़िया, आ जाओ। पापा। बेंगलुरु आकर मिलता हूँ। यस, फ्रॉम बेंगलुरु कैंप। ओके, करेक्ट मी। यस मेजर राज हियर। कब, कहाँ, कैसे हुआ? माय गॉड। आप इतने दुखी क्यों हैं? एक बैड न्यूज है। क्या है, क्या हुआ है? अपना सनी है ना। सनी? बेंगलुरु में सनी कार से जा रहा था, तभी एक ट्रक ने टक्कर मार दी। फिर? सनी तो केवल घायल हुआ है, लेकिन डेजी और बच्ची की डेथ हो गई। नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। आखिर उसने ऐसा क्या किया था जो उसके साथ में ऐसी घटना घटी? कुछ कहा नहीं जा सकता। सेजल, अभी हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। मैं नहीं जाऊंगी जी, मुझे उसे देखने की हिम्मत नहीं है। ठीक है, मैं जाकर आता हूँ फिर, पर मैं उसे कैसे धीरज बनाऊंगा? सनी कहाँ है? जी सनी अंदर है, आइए मेरे साथ। आइए। ट्रक आकर मेरी कार से टकरा गई, बस मुझे इतना ही याद है। जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। मुझे याद है कि डोर खुलने से मैं बाहर आया था और मेरी बेटी मेरी गोद से डेसी की गोद में चली गई और मैंने उन दोनों को खो दिया, मेरी बेटी और मेरी डेसी को। ऊपर वाले ने उन दोनों को मुझसे छीन लिया। मेरी डेसी और मेरी बेटी यहीं पर कहीं है, वो मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। मैं वापस जाऊंगा बोला तो
सनी माँ और उसकी बहनों ने रोना शुरू कर दिया, जो मैं सहन नहीं कर पाया। हाँ बेटी, तुम यहाँ आकर मुझे भूल गई। अभी गाड़ी आएगी, पापा आएंगे। हाँ देखो आ गए, देखो। तुम जाओ। जी साहब। अरे आप कब आए? मैं अभी अभी आया हूँ। हाय, ये पहनो। गांव का क्या समाचार है? गांव का कोई खास समाचार नहीं है, लेकिन एक तरह से है भी, बेंगलुरु की। मैं पहले गांव से निकला तो बेंगलुरु गया था, और वहां से सीधा यहाँ आ रहा हूँ। सनी का क्या हाल है? मैं सनी से मिलने उसके घर गया था, उसे मिल नहीं पाया। मिलिट्री जेल में है वो। क्या, मिलिट्री जेल में? हाँ, डेजी और उसकी बेटी के मरने के बाद उसने दारू पीना शुरू कर दिया। मरीजों को हॉस्पिटल में दूसरी दवा देकर उनके साथ मारपीट करने लगा था। वो पहले वाला सनी नहीं रहा था। सेना ने पकड़कर उसे कोर्ट मार्शल किया, उसे डिसमिस किया और कैद कर लिया। नौकरी हमेशा के लिए चली गई। आखिर उसे हुआ क्या? डेजी और उसकी बेटी की मौत को सहन नहीं कर पाया वो। दारू पीकर अपनी बेटी का नाम लेकर चिल्ला चिल्ला कर रोता था, माँ ने ऐसा बताया। फिलहाल वो मेंटल हॉस्पिटल में है, जेल की सजा काट रहा है। एक बार जाकर तुम उससे मिल लेते तो। इस हालत में उससे जेल में जाकर कैसे मिलूं? यस साहब, आपसे मिलने कोई आदमी आया और वो गेट पर लफड़ा कर रहा है। उसने काफी दारू पिया है और अपने आप को कैप्टन बता रहा है। कैप्टन? सिचुएशन वॉयलेंट है सर। ठीक है, मैं आता हूँ सर। सेजल, मैंने सब कुछ खो दिया, मेरा संसार उजड़ गया, अब कुछ नहीं बचा मेरे पास। मेरा इस दुनिया में आप दोनों के अलावा और कोई नहीं है। मैं अकेला हो गया हूँ, पूरा अकेला। बेटी हाँ, ये अंकल तुम्हें हाथी और बंदर की कहानी सुनाएंगे, क्योंकि ये कहानी मेरी बेटी को बहुत ज्यादा पसंद थी। जाओ बेटी, अंकल है, जाओ ना। वही खुशबू और वही सूरत। सनी तुम बहुत दूर से आए हो, चलो फ्रेश हो जाओ। चलो कम ऑन। सनी, तुम कोई प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर लो और नई जिंदगी की शुरुआत करो। नई जिंदगी की शुरुआत करो, पर किसके लिए और क्यों करो? बहुत देर हो गई है, खाना भी ठंडा हो रहा है, खाना लेकर आऊं क्या? खाना तो खाएंगे ही। सेजल तुम यहां आकर बैठो। नहीं, चलो खाना खाने। सेजल यहां बैठो ना। इस दुनिया में मुझे मेरे मन की बात अगर किसी से करनी होगी तो तुम्हें से करूंगा ना। हाँ हाँ, सुनो सेजल, राज भाई ने मुझसे कहा कि मुझे नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। मैंने मेरी डेजी और बेटी को खो दिया। उफ।
सेजल तुम अंदर जाओ। सनी सनी, अरे वो ले लो। मुझे अपना कहने वाला कोई नहीं संभल के, मुझे अपना कहने वाला कोई नहीं। I'm lost. मेरा कोई कोई नहीं है। यस कनेक्ट मी। क्या हुआ सजल? 10 बजे उठा है, फ्रिज से एक बोतल पानी पीकर ब्लैक कॉफी मांगा था। ब्लैक कॉफी दी तो उसमें रम मिलाकर पी लिया। ये सुबह से पीना शुरू कर दिया है। अभी वो हमारी बच्ची को गोद में लेकर मस्ती कर रहा है। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे डर लग रहा है। अरे तुम डरो मत, देखो उसकी हालत कैसी है, तुम्हें समझना चाहिए। अभी मैं आता हूँ। ओके का नशा दोपहर तक रहेगा। ब्लैक कॉफी से ही पीना शुरू कर दिया, फ्रिज से पानी भी पिया, सुबह से नाश्ता भी नहीं किया है। अच्छा बताइए, ऐसा कब तक चलेगा? Yes, he became alcoholic addict. जो भी हो, सनी को यहाँ से शिप करना जरूरी है। इसे क्लब हाउस में रखिए, ये मैं नहीं सह सकती हूँ। देखो अगर कोई दूसरा होता तो क्या उसे मैं अपने घर में रखता? ये हमारा सनी है, ये रिश्ता अभी का नहीं है, ये पहले से ही जुड़ा हुआ है। इंसानियत का होना जरूरी है। अपनी बीवी और बच्ची को खोने वाला ये जब हमारी बच्ची को देखता है तो उसे अपनी बच्ची समझता है। देखो जो भी हो, उसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए हमें। मैं उससे बात करता हूँ। दो दिन मेरी हरकतें सहने के लिए सेजल का धन्यवाद। कल रात को मैंने राज भाई आपसे फालतू की बकवास की। आई एम रियली सॉरी। 4-5 दिन में मैं वापस अपने घर बेंगलुरु जा रहा हूँ। आई फाउंड सम मोर टाइम टू गेट सेटल्ड। देखो जितना टाइम लेना है ले लो, लेकिन जल्दी सेटल होके प्रैक्टिस स्टार्ट करो। सब ठीक हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। श्याम साहब को बस स्टैंड तक छोड़ कर आओ। जी साहब। ये अपना दुख भूल नहीं पा रहा है, कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाएगा। द कमांडर इज विजिटिंग अवर स्टेशन ऑन 26th। स्पीड ब्रेकर्स हैव टू बी पेंटेड, रोड्स हैज टू बी मेड एंड जनरल क्लियरेंस ऑफ आवर एरिया हैज टू बी मेंटेन्ड। यस सर। एंड रिपोर्ट द प्रोग्रेस बिफोर 20th। यस सर। ओके यू मे गो। थैंक यू सर। सर आपके लिए पोनमुड़ी पुलिस स्टेशन से एक मैसेज आया है। सर सर आपके करीबी दोस्त जिनका नाम सनी था पोनमुड़ी में मारे गए, ऐसा मैसेज आया। सर क्या कातिल की पहचान हो गई है? सर मृतक से आपके रिश्ते के बारे में वहां के पुलिस वालों को जानना है, ऐसा उन्होंने कहा। इसलिए वो चाहते हैं आप तुरंत पोनमुड़ी जाकर उनसे मिले। अरे क्या हो गया, दारू पी बता कल इसको मार किसने दिया? ये तो मुझे नहीं पता कैसे मारा। दारू पिया हुआ लगता है। लेकिन ये है कुछ पता नहीं सर। मेरे साथ जो पुलिस आ गई, मुझे कुछ बात करनी है। सर आप आर्मी मैन हैं, कुछ भी सहने के लिए और सामना करने के लिए हिम्मत रखते हैं, ये मैं जानता हूँ।
हाँ बोलो। सर, आपके दोस्त का खून आपकी खुद की पत्नी ने किया है? नो, इम्पॉसिबल। नहीं सर, उन्होंने खुद पुलिस स्टेशन में आके कत्ल का स्टेटमेंट दिया है। वो अभी स्टेशन लॉकअप में है, सर आप उनसे मिल लीजिए। तुमने ऐसा क्यों किया सेजल? आखिर सनी ने ऐसी कौन सी गलती की थी कि तुमने उसे मारा? आपने जो अपराध किया उसके बारे में कोर्ट से क्या कहना चाहती हैं? मेरे इस जुल्म के लिए कोई भी सजा देंगे तो मुझे मंजूर है। इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ। मेरे पास कोई शब्द नहीं है अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए। सनी नाम के व्यक्ति का इन्होंने बेरहमी से खून किया ये कबूल करती हैं। तमाम सबूतों और गवाहों के अनुसार ये अदालत गुनहगार सेजल को सनी के कत्ल के इल्जाम में आईपीसी 302 के अनुसार इन्हें जीवन भर के लिए उम्र कैद की सजा सुनाती है। इसमें किसी का तो नहीं लगाने पड़ेंगे। क्या किया इसमें? क्या होगा? चलिए इसे मैं जाऊँगा। लेकिन साहब कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे मुझे ये बताइए। मेरी तारीख तो मैं नहीं देखिए, आप बहुत पैसे ले लिए हैं, अब और कितने पैसे खर्च करूँगा? इसमें मेरी जमीन हो गया। देखिए बार बार चक्कर लगाने मेरी जमीन बहुत थक चुका हूँ। ये सब विधि का विधान है। अब तो बताओ सेजल, तुमने ऐसा क्यों किया? उसकी कौन सी गलती थी? आप ये सवाल मुझसे मत पूछिए, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। जब बेटी बड़ी होगी माँ के बारे में पूछेगी तो उसे बताइएगा कि उसकी माँ जिंदा नहीं है। मैंने आपको भगवान माना है, आइंदा कभी मुझसे मिलने मत आइएगा। मुझे भूलने की कोशिश कीजिएगा हमेशा हमेशा के लिए। यही विनती है आपसे, कभी मत आइएगा मिलने, भूल जाइएगा। सर, हॉस्पिटल आ गया। मौत उसके दरवाजे पे खड़ी है, उसे कभी भी कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले वो मिस्टर नंबियार को कुछ बताना चाहती थी, लेकिन आखिर में सेजल ने आपसे और बेटी से मिलने के लिए मुझसे कहा। मैं सब कुछ जानता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। आप उससे कुछ जानने के लिए सवाल करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। वो मिलना चाहती है, सेजल आपसे अपनी बातें बताना चाहती है। शायद आपके मन को और मरने के बाद उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। सेजल, सेजल, सेजल। देखो कौन आया है।
मुझे माफ कर देना। बेटी तुम मेरे साथ हो, डैडी को यहाँ रुकने दो, मैं आपकी बेटी को अपने साथ ले जाता हूँ। आप मेरे घर आइएगा, मैं वृंदावन कॉलोनी में रहता हूँ, नंबर 2 में। ओके बेटी, डॉक्टर अंकल के साथ जाओ, मैं बाद में आता हूँ। आओ बेटी आओ। तुमसे मिलने के लिए मैं 4-5 बार सेंट्रल जेल आया था, लेकिन उस समय तुमने मिलने से मना क्यों किया था? कोई बात नहीं, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आप जब मुझसे मिलते तो मुझसे सवाल पूछते, तो उस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकती थी, इसलिए मैंने मना किया। उस सवाल का जवाब है ही नहीं, ऐसा मान लेते हैं। सेजल के बिना बिताए गए इन 10-11 साल में मुझे जवाब मिल गया है, मैं अब और कुछ नहीं जानना चाहता। नहीं जी, आपको सब पता होना चाहिए। मैं ये दुनिया छोड़कर जाते वक्त कोई भी राज छुपा कर नहीं जाना चाहती हूँ, मैं आपको सब बताना चाहती हूँ। नहीं सेजल नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानना चाहता हूँ, मुझे मेरी सेजल वापस चाहिए। सुनिए जी, आप लोग से 8 साल अलग होने के बाद भी ये रहस्य मैंने जो छुपा कर रखा वो बताना चाहती हूँ। मैंने इस बात को बताने के लिए बहुत हिम्मत जुटाई है, मेरे जिंदगी का जो रहस्य है उसका एक पार्ट मैं भी हूँ। मैं आपसे इसे छुपाना चाहती थी, लेकिन मैंने सोचा कि ये गलत है। आपको सत्य जानने का पूरा अधिकार है, मैं जानती हूँ कि आप ये सत्य जानकर बहुत दुखी होंगे, लेकिन बताना जरूरी है। मैंने अपनी जिंदगी में प्यार और दोस्ती सनी के साथ भी किया था। एक गरीब लड़का दूसरी गरीब लड़की से प्यार करता है। आज जब मैं आपके घर की हालत देखता हूँ तो मुझे मेरा घर याद आता है। मेरे घर की हालत भी आपके घर जैसी है। मेरी भलाई के लिए प्रार्थना करने वाली मेरी बूढ़ी माँ और मेरे भरोसे सपना देखने वाली मेरी 3 जवान बहनें और पूरे घर का खर्चा मुझ जैसे जूनियर डॉक्टर की पगार से चलता है, बस वो भी बड़ी मुश्किल से। हमारी चाहत पूरी नहीं होगी है, मैं अच्छे से जानती हूँ। हमने ऐसी कोई गलती नहीं की है जिसे भुलाया जा सके। हम प्यार करते हैं और बस साथ में जीना चाहते हैं, इसमें क्या गलत है? मेरे मन में बहुत पहले से ही आपके प्रति प्यार था। आपके प्यार से ज्यादा मेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे लिए बहुत बड़ी है, इसीलिए हमें हमारे प्यार को भूलना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। उसके बाद हम कभी भी अकेले नहीं मिले, लेकिन हम कहीं हॉस्पिटल में या रास्ते पे कहीं नजर पड़ जाते थे तो थोड़ा सा मुस्कुरा देते थे। एक दिन सड़क पर मुझे रोककर बात करने की कोशिश की, लेकिन मैंने बात नहीं की और मैं आगे बढ़ गई। मैंने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। एक दिन जब आप हॉस्पिटल में थे तो सनी ने मुझसे आपसे शादी करने की जबरदस्ती की। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं सनी से प्यार करती थी। मिस्टर राजशेखर जी सिर्फ मेरे दोस्त नहीं बल्कि मेरे भाई जैसे हैं, लेकिन उनसे जरा सावधान रहना। अगर वो कोई भी सवाल करें तो जवाब मत देना, कोई बहाना करके वहां से निकल जाना, नहीं तो वो वापस तंग करेंगे, यही उनका स्वभाव है। पर कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा।
वो जब भी मिलते मुझे आपसे शादी करने के लिए कहते, और मैं ये नहीं करना चाहती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अभी मुझे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का लवर बनकर नहीं, बल्कि एक भाई या पिता की जिम्मेदारी से सजल को अच्छी जिंदगी देनी है। सिर्फ मैं यही चाहता हूं कि इस शादी के लिए तुम्हारी मंजूरी मिल जाए, क्योंकि राज भाई का पास्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन अब वो बिल्कुल ऐसे नहीं है। राज भाई दिल से तुम्हें प्यार करते हैं। मैं जानता हूं कि उन्होंने पास्ट में कई सारी गलतियां की हैं, पर उन्होंने जब से तुम्हें देखा, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हीं से प्यार किया। इसका गवाह मैं हूं। सेजल, अगर तुम इस शादी के लिए मान जाओगी तो सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार का भला हो जाएगा। मेरी बात मानो, शादी के लिए हाँ कर दो। तुम और वो खुशी से जिंदगी जियोगे। तुम्हारी सारी तकलीफें भी दूर हो जाएंगी। शादी के लिए तुम मान गई हो, ये बात मैं राजभाई से कह दूंगा। उस वक्त सन्नी के जीत से मैंने शादी के लिए हाँ की, लेकिन उस वक्त से मेरे मन में सिर्फ आप ही रहे हैं। आपको खुश देखकर हमसे ज्यादा खुश सनी होता था। वो आपको हमेशा खुश देखना चाहता था। और एक दिन सनी, राज भाई बहुत ज्यादा खुश हैं। तुम्हें भी खुशी है ये मैं जानता हूँ, और सच कहूँ तो मैं भी खुश हूँ। सनी, ये एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। सनी, तुम जल्दी से शादी कर लो, मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगी। उसके बाद सनी ने कभी ऐसे बातें नहीं की जिससे हम दोनों में झगड़ा हो। मैंने सनी को कुछ नहीं बताया था, लेकिन आपने सनी को सारी बातें बता दी। हमसे ज़्यादा दुख सनी को हो रहा था। हमारा परिवार न टूट जाए, सनी मुझे समझा रहा था कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सच में ये एक पागलपन है। उनके साथ पास्ट में जो भी हुआ उसकी वजह से वो तुम पर शक नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, मैं उनसे बात करूंगा, वो जरूर बदल जाएंगे। मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की है, लेकिन वो मुझ पर शक करते हैं। सहना पड़ेगा और झेलना भी। राज जी की वजह से सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार का भला हो रहा है, ये कभी मत भूलना। तुम्हें सहना तो पड़ेगा ही, पर मैं राज भाई को इस बारे में समझाऊंगा, देखना सब जल्दी ठीक हो जाएगा। चलता हूं। सब ठीक हो जाएगा, सब सहना पड़ेगा, यही सोचकर हम आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जब हमारा रिश्ता टूट रहा था तो मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। जब आपकी माँ बीमार पड़ी तो आप गांव गए थे और मैं अकेली हो गई थी। जिंदगी में कभी रोशनी नहीं देखना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। मैं सबसे बहुत दूर जाना चाहती थी। आंख खोला तो पता चला कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। ये अब ठीक है, हो सकता है आज शाम तक ये डिस्चार्ज हो जाए। सर, आज शाम तक आप घर जा सकती हैं। मैं यहीं पर हूँ, तुम्हें आकर देखता रहूंगा। किसी चीज की जरूरत हो तो मैं यहीं रहूंगा, बुला लेना। जी सर। सेजल, तुम जाके नहा के फ्रेश हो जाओ और अच्छे से खाना भी खा लेना ताकि तुम्हें ताकत मिले। पांडे, तुम यहीं पर रहना, मैं काम खत्म करके रात को आता हूं, ठीक है? जी सर। सच में सनी से नफरत हो गई थी। मैं सबसे दूर होना चाहती थी, लेकिन सनी ने मुझे फिर से उसी दुनिया में ला दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं इस दुनिया से जाना चाहती थी।
मीम साहब फ्रेश हो गई हैं और खाना भी खा लिया है, अब ठीक हैं। साहब मैं दो दिन से घर नहीं गया हूँ, मैं घर जाके नहा कर आता हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि देखना सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, पर तुम नहीं मानी। तुमने ऐसा क्यों किया? तो मैं क्या करूं? मुझ पर शक करते हैं वो, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा, इसलिए मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन सबने मुझे बचा लिया। मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती थी। क्यों बचाया तुमने? तुम रक्षक हो, मेरे पास एक ही रास्ता है, आत्महत्या। आप कितनी बार बचाओगे मुझे? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सिजल। मैं अपने सारे सपनों को भुलाकर तुम्हें स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, यही अच्छा होगा। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इस बारे में मुझे मत बताना। मुझसे प्यार करके अपने परिवार के लिए मुझे धोखा देकर चले गए। मुझे प्यार से नफरत हो गई। मैं जिस बात के लिए डर रही थी, उनसे शादी करने के लिए आपने मुझसे जबरदस्ती की। अब वो मुझे छोड़ना चाहते हैं, इसलिए मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन आपने मुझे मरने नहीं दिया। नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता, क्योंकि सारी गलती मेरी है। मैं अपनी सारी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार हूं। मैं राज भाई से जाकर बात करूंगा, उनसे कहूंगा कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। नहीं, पसंद ना पसंद आपकी बात मानने के लिए मैं कोई खिलौना नहीं हूँ। इस जिंदगी से मुझे नफरत हो गई है। मैं मरना चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ, और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। नहीं सेजल, मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे मेरी सेजल वापस चाहिए। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका चाहिए बस। तुम्हें अपना बनाकर मैं उस गलती को सुधारना चाहता हूँ। I want you। नहीं सेजल, मार जाओ मेरी बात, प्लीज मार जाओ मेरी बात। सेजल देखो, प्लीज मार जाओ मेरी बात। सेजल सुनो, नहीं। मुझे नहीं लगा हमने कोई गलती की। मुझे पता है कि राज भाई ने तुम्हें बहुत ज्यादा तंग किया है। मैं उन्हें बता दूंगा कि उनकी शादी से पहले ही हम दोनों एक दूसरे से हद से ज्यादा प्यार किया करते थे। राज भाई के आते ही बता दूंगा। मैंने सब कुछ आपको बताने का फैसला कर लिया था। आपका ही मैं और सनी इंतजार कर रहे थे। उस दिन जब आप आए, मैं आपको अपनी बातें बताना चाह रही थी, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बोलने दिया। आपने जो कहा वो सुनने के बाद मुझे कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं हुई। मेरी तरह सनी भी कुछ नहीं बोल पाया। उसके बाद मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ।
तब आपको सारी बातें बताने के लिए सनी ने मुझसे जबरदस्ती की, लेकिन मैं बताना नहीं चाहती थी, लेकिन सनी नहीं मान रहा था। मैंने जो उनको धोखा दिया है, हर पल मुझे कांटे की तरह चुभ रहा है। अब हमें सब बता देना चाहिए। ये धोखा नहीं है, पर मैं नहीं बताऊंगा। राज भाई की सोच बदल जाएगी, ये हम दोनों को ही नहीं पता था। एक छोटी सी गलती सुधारने के लिए हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब सारी गलतियों को सुधारने के लिए हम दोनों को एक और गलती करनी होगी। हम दोनों के बीच जो भी हुआ उसे भूलना होगा, नहीं तो राज भाई तुम्हारे बारे में जो सपना देख रहे हैं उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों के जिंदा रहने का भी कोई फायदा नहीं होने वाला। मैंने ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दिया है, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफर होने के बाद मैं कभी भी तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आऊंगा, और यही ठीक होगा। दैट विल बी दी एंड ऑफ एवरीथिंग। सच में मेरी जिंदगी से दूर होने के लिए सनी ने ट्रांसफर ले लिया। सनी के सेंड ऑफ करने के लिए आपने एक पार्टी दिया था, उस दिन मैं गर्भवती थी। ये बात सनी को नहीं पता था। जब ये बात सनी को पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मेरे कोख में उसका बच्चा था और मैंने ये बात उसे नहीं बताई थी। मेरे ट्रांसफर होने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं फिर कभी तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आऊंगा, हम कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं। तुम्हारा जो बच्चा होगा उसे राज का बच्चा समझकर उसका अच्छे से पालन पोषण करना। मैं तुम दोनों के खुशी जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा। हमने ये गलती जानबूझ के नहीं की है, हो सके तो मुझे माफ करना, भूल जाना मुझे। उसके बाद हम आपस में कभी नहीं मिले। उससे नहीं मिलने के लिए मैंने अपने मन से प्रार्थना की थी, इसकी वजह से मैं सनी की शादी में भी नहीं गई, सनी की पत्नी डेजी और उसकी बेटी की मौत में भी नहीं गई, लेकिन कोवाला में मैं सनी से वापस मिली। सनी शादी करके अपने बीवी बच्चे के साथ बहुत खुशी जी रहा था, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन उस दिन जब आप वॉक पे गए थे, मेरी बेटी बाहर खेल रही थी, डेजी और उसकी बेटी अंदर थे। सनी, आई एम सॉरी, आई डोंट मीन इट, मुझसे अनजाने में गलती हो गई, आई एम सॉरी। सच में जब वो मेरी बेटी से प्यार किया तो ऐसा लगा कि वो अपनी बेटी से प्यार कर रहा है, और ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे सनी पर नफरत और गुस्सा आ रहा था। मेरे मन में मेरी बेटी और आपके अलावा कोई नहीं था। उसके बाद जब हम अलग हुए तो मेरे मन को शांति मिली, और मैं अपने मन से यही चाह रही थी। लेकिन डेजी और बच्ची के अलग होने के बाद मेरे मन में दुख से ज्यादा डर होने लगा। वो डर मेरे मन से नहीं हट रहा था। मैंने जो सोचा था, सनी हमारे घर में वापस आ गया। सनी के घर में आने के बाद हमारे जिंदगी में काफी बदलाव आया। आप जब ऑफिस जाते थे तो सनी बिल्कुल बदल जाता था। रुक जाओ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, इसीलिए मैं इतने दूर से यहां तुमसे मिलने आया हूं। मैंने जो गलती की उसकी सजा मुझे ऊपर वाले ने दे दी, मेरा सब बर्बाद हो गया, मेरी डेजी, मेरी बेटी और मेरी नौकरी, मैंने सब खो दिया।
अब अगर मेरे लिए कुछ भी बचा है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी बेटी है। मुझे वो चाहिए। मेरी बेटी? मैं कर्नल राजशेखर की पत्नी हूँ और ये बेटी उनकी है। बेटी पर हक जताने वाले आप कौन होते हो? मैं जानता हूँ कि तुम कर्नल राजशेखर की पत्नी हो, मगर दूसरी बात तुम्हारी बिल्कुल झूठ है, क्योंकि सच क्या है ये सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं। इसीलिए ये बात मैं हक के साथ कह सकता हूँ कि वो बेटी सिर्फ हम दोनों की ही है, तुम्हारी और मेरी। और अगर नहीं है तो क्या ये बात जाकर अपने पति को बता सकती हो? आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। प्लीज, ये मेरी जान है। आपने जो जिंदगी दी है उसे बर्बाद मत कीजिए। अगर मैं स्वार्थी होता तो तुम्हें नहीं छोड़ता। मैंने तुम्हें अपने परिवार के लिए छोड़ा था। मैं तुमसे इसलिए नहीं मिला कि कहीं मेरे दोस्त की जिंदगी उसकी खुशी दुख में ना बदल जाए, इसीलिए मैंने तुम्हें कभी पाने का नहीं सोचा। पर अभी मेरे सामने मेरी बच्ची है। प्लीज मुझे मेरी बच्ची दे दो सेजल। मैं बच्ची के साथ तुम्हें भी स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। हाँ सेजल, सच में मैं बिल्कुल तैयार हूं। शुरू से लेकर आज तक मैंने सिर्फ तुम ही से प्यार किया है सेजल। हम यहां से कहीं दूर चले जाएंगे और अपनी बच्ची के साथ जिएंगे, जहां हमें कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएगा। हम तीनों कहीं जाकर एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी जिएंगे। आई वॉन्ट टू लीव। सनी, तुम पागलों की तरह बात मत करो। मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। सिर्फ मैं ही नहीं, कोई भी पत्नी और माँ नहीं सोच सकती है। सनी प्लीज, कोई भी पत्नी और माँ कभी ऐसा नहीं सोच सकती है। हमें परेशान मत करो प्लीज, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा और हमारा राज कभी भी तुम्हारे पति को नहीं बताऊंगा, पर तुम भी मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। पर मैं अपनी बेटी को वापस पा के लाऊंगा। सनी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो राज को मैं सारी बातें बता दूंगा, हमारे बीच जो हुआ सब। आई वॉन्ट माई चाइल्ड, माई ओनली चाइल्ड, माई वन एंड ओनली चाइल्ड इन दिस वर्ल्ड। मैंने सनी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। मुझे उस समय फैसला लेना पड़ा। मैंने अपनी बेटी के लिए उसे हाँ कर दिया। अगले दिन एक जगह पे इंतजार करने के लिए कहा। ये मानकर सनी घर से चला गया, लेकिन दूसरे दिन Thank you.
बेटी को नहीं लाई? नहीं लाई। क्यों? मैं आपसे विनती कर रही हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। मैं अपनी बेटी से अलग नहीं रह सकती हूँ। तो हम अपनी बेटी को लेकर कहीं दूर चले जाते हैं? नहीं, मैं अपने राज्य से भी अलग नहीं रह सकती। Then you are trying to cheat me? No. अब मैं किसी की भी परवाह नहीं करूंगा। मैं सारी बात जाके राज को बता दूंगा। तुम्हें और अपनी बेटी को साथ लेकर जाऊंगा मैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं आत्महत्या कर लूंगा। ये मत समझना कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है सेजल। मुझे मेरी बेटी चाहिए। तो मुझे सनी को मारना होगा? नहीं, इस सनी को सेजल कभी भी नहीं मार सकती। सही कहा, लेकिन मुझसे ये पाप मत करवाओ सनी, चले जाओ। जिस सेजल से इस सनी ने बेइंतहा प्यार किया था और जिसे उसने हमेशा अपने दिल में बसा कर रखा, जिसने अपनी सेजल के लिए पूरी जिंदगी सेजल के प्यार के लिए कुर्बान कर दी, तुम अपने उस सनी को मारना चाहती हो? जिस सनी ने तुम्हें एक जीवन दिया, जब तुम मरने जा रही थी तो तुम्हारे इसी सनी ने तुम्हें बचाया। क्या तुम वो भूल गई? हम दोनों के बीच में कितना प्यार था, साथ जीने मरने की कसमें खाई थी हमने। मुझे पता है तुम मुझसे अभी प्यार करती हो और ये बात सच है। मेरे दिल में सिर्फ राज जी और मेरी बेटी ही है। अगर ये सच है तो मारो मुझे। अगर तुम्हारे दिल में सिर्फ तुम्हारा वो पति राज और तुम्हारी बेटी है तो फिर इस सनी के जिंदा रहने का भला क्या फायदा हो सकता है? मुझे जिंदा रहने का हक नहीं है। शूट मी, कम ऑन, शूट मी, शूट मी, कम ऑन, शूट मी, मारो। हम साथ जीना चाहते थे। मेरे दिल में हमेशा से मेरी सेजल और मेरी बेटी थी। सेजल, आई लव यू, आई लव। रिवॉल्वर पर सनी की उंगलियों के निशान थे। सनी के कत्ल का इल्जाम अपने सर पर ले लिया, क्योंकि मैं अपने पति के साथ धोखा देकर अपने पति के साथ ही रह रही थी। एक पति पत्नी की ऐसी गलती को कभी नहीं करेगा, मगर मेरे दिल में अभी भी आप और मेरी बेटी ही है। आप और मेरी बेटी मेरी जान हो, और यही सच्चाई है। आपकी अपनी सेजल। यस, राजशेखर हियर। सेजल, 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 मैं आया हूं, साथ में बेटी भी आई है। मुझे छोड़कर मत जाना। आई वॉन्ट यू। तुमने कोई गलती नहीं की, कोई गलती नहीं की तुमने सेजल। आई वॉन्ट यू बैक सेजल। सेजल, 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 माँ,
जी